सो गुड इवनिंग गाइस, माय नेम इज विशाल। तो सामने आज फ्रेम के अंदर एक बाइक देख रहे हो, एक लेजेंड बाइक से कम नहीं है ये बाइक। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जो बूसा लवर है वो इस वीडियो से दूर रहे, क्योंकि उन लोगों को ये बाइक पसंद नहीं आएगी। क्योंकि ऑफ कोर्स इस बाइक पे कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हैं जो पीछे आते टाइम मैं भी पढ़ रहा था, मैंने कहा यार बूसा वाले दूर रहना इस बाइक को लेके। ये बाइक है कावासाकी की ZX 14R है, लास्ट लॉन्च मॉडल है जो ये 17 के अंदर आया था, और ये ब्रेम्बो वाला एडिशन है जिसके अंदर ऑल इन के सस्पेंशन आए थे। तो भैया की भाई का हाय भैया, कैसे हैं आप? हाय जी, बढ़िया, आप बताओ? ऑल वेल। तो काफ़ी टाइम से हम लोग प्लान करते शूट करने का, तो हो नहीं पा रहा था, फाइनली हम दोनों आज मिले तो शूट किया। ये जो बाइक है कावासाकी की 14R है, 1440cc की बाइक है, ऑलमोस्ट 197 BHP प्रोड्यूस करती है, पावर फिगर ऑलमोस्ट बूसा से सिमिलर है, फिर भी कुछ ना कुछ इसकी फैन फॉलोइंग बूसा से बिल्कुल अलग है, ऐसा क्या है भैया इस बाइक के अंदर? यार फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू करेक्ट यू, इट इज 1441cc। हाँ, 1441 एंड विद रैम इट इज लाइक 210 BHP स्टॉक। स्टॉक ये 197 BHP थे, आई एम नॉट श्योर। विद रैम इज दिस थिंग। ओके, मतलब इस को राम एज इन, मतलब ये आपने, मैं समझ नहीं पाया, इंटेक वगैरह है, मैंने कुछ नहीं करा, दिस कम्स फ्रॉम द कंपनी इटसेल्फ। अच्छा, सो उसको करंटली 210 बीएचपी है? हाँ, नहीं करंटली नहीं, अच्छा, फ्रॉम द शोरूम इट कम्स 210 बीएचपी विद रैम, वो आप जो बोल रहे हो दैट इज जस्ट द इंजन वाला स्टफ। हां, वो मैं जैसे कि पुराना वाला जो था नॉर्मल था वो सब चीजें। हां, सो भैया कैसा रहा इस बाइक के साथ ओनरशिप रिव्यू आपका? यार ओनरशिप रिव्यू, टू बी ऑनेस्ट, आई हैव बीन राइडिंग सुपर बाइक सिंस आई थिंक 2013 or 14। अच्छा, तो इनिशियली आई हैड 12R, उसके बाद आई हैड बूसा, ओके, एंड फिर थोड़ा से ब्रीफ टाइम के लिए, मतलब ब्रीफ टाइम आई वुड से अ वीक और सो, आई हैड अ फैट बॉय। अच्छा, 103, ओके, एंड दैट डिसअपॉइंटेड मी वेरी मच। अच्छा, लाइक वो वाली चीज जो 12R में थी, जो बूसा में थी, वो फैट बॉय में कहीं पे भी नहीं है। इट इज लाइक आई एम नॉट अगेंस्ट फैट बॉय या आई एम नॉट अगेंस्ट हार्लीज, वो बस मेरे को कनेक्ट नहीं हुआ। तो फिर आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि मेरे को, मेरे कजन है, उन्होंने बोला कि भाई लेट्स गो फॉर 14R, ही बॉट अ 14R। अच्छा, एंड तब मेरे ख्याल एक्सप्रेस वे खुला था, सो उन्होंने कहा राइड पे चलना है, वो लाइक हाँ फेयर इनफ लेट्स गो ऑन अ राइड। तो आई वॉज सिटिंग बिहाइंड हिम अ पिलियन बीच एक्सप्रेस वे पे, उन्होंने बोला कि भाई यू वांट टू राइड इट, मैं क्या मतलब कैसी बात है, तो मैं क्या ठीक है, आई वेंट ओवर द बाइक, वो पीछे बैठ गए, ही इज बिट हैवी ऑन अ हैवियर साइड लाइक 110-120 kgs, ओके, तो वो पीछे बैठे हुए हैं। तो पहले तो मैं तमीज से लॉन्च करी बाइक, उसके बाद मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मैंने कहा चल लेट्स ट्राई इट आउट, मैंने ट्रैक्शन वन करा, पावर फुल करी और आए WOT, वाइड ओपन थ्रॉटल मारा, भाई साहब पीछे से फिश टेल मारने लग गई बाइक, ठीक है, और मतलब आउट ऑफ कंट्रोल थी मेरी। अच्छा। मतलब चार हो गई थी। अच्छा। तो मैंने कहा भाई ये मेरे हिस्से की नहीं है, मैंने चुपचाप क्लच दबाया, साइड पे लगाई। अच्छा। और मैं सड़क पार करके खड़ा हो गया। ऐसा क्यों भैया, 12R चलाने के बाद आप इस बाइक के बारे में ऐसी बात बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि मैंने वो जो एक्सपीरियंस करा था, आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट काइंड ऑफ बिहेवियर फ्रॉम अ बाइक जिसके पीछे इतना सामान, मतलब सामान एज इन वेट लदा हुआ वेट था। हाँ, तो मैं सड़क पार करके खड़ा हो गया, मैंने कहा आई एम टेकिंग अ बस टू होम। फिर दो मिनट के बाद जब सांस आई, सब कुछ समझ में आया, रियलिटी में वापस आया मैं, तो फिर वो कहते हैं कि भाई साहब ये एक्सप्रेस वे है, यहाँ पे बस नहीं आती, आपको मेरे साथ ही चलना पड़ेगा। अच्छा, तो उसके वहां से मेरा वो सेट हो गया था कि भाई यस आई वांट टू हैव अ 14R इन माय लाइफ, एंड इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम टू सर्च फॉर अ 14R। कई बार बजट में नहीं आ रही थी, जो बजट में आ रही थी वो समझ नहीं आ रही थी बाइक एंड ऑल दैट स्टफ। तो लास्ट ऑफ ऑल मेरे को ये बाइक दिखी, इसने ओडो पे उस टाइम था 1076 किलोमीटर। क्या बात है, मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ब्रांड न्यू बाइक, एंड जो ओनर थे इसके रजिस्टर्ड ओनर, उनसे भी मेरी डायरेक्ट इंटरेक्शन हुई, एंड आज भी टच में है वो, ठीक है, उनकी वो सेकंड 14, ये सेकंड 14R थी, मतलब ही हैड अ 14R बिफोर देन। क्या नाम था उनका भैया? राजीव शर्मा, ओके। तो देन ही जस्ट लाइक गेव अवे, उनका आस्किंग प्राइस उस टाइम 18 था। अच्छा, मेरे को था कि भाई ये मेरे ब्रैकेट में ही नहीं है, मेरी ब्रैकेट के आसपास भी नहीं है, बट मेरे को ना किसी ने बोला कि भाई पिच करके देख लो, तो आई वाज लाइक शायद, मतलब अगर ऐसे कहीं से इशारा आ रहा है तो पिच करके मैंने देख लिया, बात बन गई। अच्छा, एंड फिर 14R आ गई। और कितना टाइम हो गया इसको ऑन करते हो आपको? यार ये मैंने 2017 मॉडल है, आई थिंक 2017 में ही ले ली थी। ओके, तभी इतना हायर प्राइस मिला आपको इस चीज का? हाँ, मतलब आस्किंग उस टाइम हायर थी, बट आज की डेट में भी इफ आई वांट टू सेल इट तो मेरे ख्याल से सिमिलर प्राइस ब्रैकेट में जाएगी विद ऑल द मॉड्स एंड ऑल दैट स्टफ, क्योंकि मॉड्स उसमें बहुत सारे लगे हुए हैं।
और एक्सेसरी की बात हम बाद में करेंगे। भैया एक जो मेरा क्वेश्चन था इस बाइक को लेके, लोगों का क्वेश्चन है कि इस बाइक के अंदर इलेक्ट्रॉनिकली बहुत इशू है, इसके इलेक्ट्रॉनिक परेशान करते हैं। कोई इशू नहीं आया इलेक्ट्रॉनिकली, क्योंकि एक प्रतीक भी है आप शायद जानते हो, उनके पास 2-3 फॉर्टिनर रह चुकी हैं, तो उन्होंने भी मुझे यही बोला था कि विशाल मेरी बाइक में जो फॉर्टिनर के अंदर मुझे इलेक्ट्रॉनिक ने परेशान किया, अदरवाइज मुझे बाइक में कोई दिक्कत नहीं। मेरे को आज तक कोई इशू नहीं आया। अच्छा, सिर्फ एक जो इशू नहीं बोलूंगा यार, वो डिजाइनिंग का बोलूंगा, दो डिजाइनिंग के। एक तो है कि इसकी जो बैटरी है ना, जैसे भूसा वगैरह में यार सीट खोली, बैटरी खोली पड़ती है, ठीक है, पुरानी वाली 10R में क्या है, बैटरी खोली निकाला, चार्ज चूज करनी है, जो भी कुछ करना हो गया। इसमें भाई साहब आपको आधी फेयरिंग खोलनी पड़ती है, बिल्कुल खोलनी पड़ती है, ठीक है, और पीछे डब्बा है, डब्बे के अंदर फिर एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट उतारो, फिर एक बेल्ट है, बेल्ट उतारो, फिर उसके बाद वो बैटरी बाहर आती है। वो थोड़ा सा मेरे को लगता है कि यार इतना कॉम्प्लेक्स क्यों। दूसरा इसका जो वो है, वो इसका ये है, जो इसका ये वाला नट है, अच्छा, इसके पीछे एक रबर की ग्रोमेट है, तो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो खराब हो जाती है, उसके अंदर एक ब्रास का वो है, तो वो कई बार आपकी टूट के या ओवर टाइटन कर देते हो, ओवर टॉर्किंग कर देते हो, तो वो जो वो ब्रास का वो है वो अंदर गिर जाता है, और वो आपका थ्रॉटल बॉडी के होते हुए वो नीचे चले जाता है, एंड दैट इज लाइक दैट कॉजेस फेलियर। पहला ये इशू, मतलब ये इशू है, ये आप अगर 14R के फोरम्स पे भी पढ़ोगे तो वो इशू है। अच्छा, अब तीसरा जो इसका इशू है, दैट इज मतलब वो यार मेरे को इंडिया में नहीं लगता कि वो पॉसिबल है किसी को आया होगा, वो है कि बाहर के जितने भी आप फॉर्म्स वगैरह पढ़ोगे तो उसमें सबने ना अपना जो इसका सम्प है उसको मॉडिफाई कराया हुआ है, फ्लैट सम्प लगाया हुआ है। ओके, बट वो है ऑयल कंप्रेशन, ऑयल ये जो इसका पंप है वो थोड़ा वो छोड़ देता है, अगर आप ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपने फुल रेव करा हुआ है, WOT करा हुआ है, तो वो मेरे को नहीं लगता कि इंडिया में ऐसी कोई हमारे को सड़क मिलेगी भी आज की डेट में या इन फ्यूचर भी, कि जहाँ पर हमारे को ऐसी वो मिले कि हम कान खोल के पूरा खींच सकें। बाकी कोई इसमें आज तक मेरे को इशू नहीं लगा। इसकी सर्विस भी आप शोरूम पे कराते हैं या बाहर कराते हैं? नहीं, शोरूम पे बिल्कुल भी नहीं। ऐसा क्यों भैया? नथिंग अगेंस्ट द शोरूम गाइस, बट मेरे को वही है यार, वो 2 घंटे में बाइक दे देते हैं, बट मेरे को काफी कुछ कराना होता है बाइक में, जैसे थ्रॉटल बॉडी सिंक है, थ्रॉटल बॉडी क्लीन है, फिर मेरे को टॉर्किंग पूरी बाइक की करानी होती है। अच्छा, और चेन पूरी सेट, फिर मेरे को कैलिपर, क्योंकि यार ओके, सो एनी बाइक दैट आई वुड हैव, आई वुड थिंक इफ आई एम राइडिंग इट आई एम रिस्किंग माई लाइफ एज वेल। बिल्कुल, ठीक है, तो मैं ब्रेक्स के जो कैलिपर्स हैं उनको भी खुलवा के पूरी सर्विस कराता हूँ। अच्छा, ठीक है, प्रॉपर क्लीन करा के फिर अपना देख के ब्रेक पैड्स की लाइफ क्या है, क्या नहीं है। अब वहां पर ये सारा नहीं होता सर, नहीं होता भैया, ठीक है, तो मेरे की अगर बाइक की सर्विस हो रही है तो इट इज टेकिंग अप्रोक्सीमेटली 1-1.5 डे। ओके, ठीक है, दो आई एम गिविंग चार्जेस फॉर इट, बट उसके बाद एक मेरे को सेटिस्फेक्शन है कि भाई अगर मैंने 300 लगानी है, 300 के पार जाना है, तो आई एम ओके विद इट। समझ सकता हूँ। तो भैया इसकी सर्विस आप जैसे कि आफ्टर मार्केट कराते हैं तो कितने की सर्विस हो जाती है, बेसिक नॉर्मल सर्विस? आई थिंक 10K के आसपास हो जाती है, जिसमें इंजेक्टर्स वगैरह निकल के भी प्रॉपर क्लीन होते हैं। क्या बात कर रहे हो, मतलब सारे प्रॉपर तरीके से? हाँ, प्रॉपर उस पर होती है, निकल के मशीन पे लगते हैं इंजेक्टर्स, प्रॉपर वो देखा जाता है कि वो उतना निकाल रहे हैं या नहीं निकाल रहे हैं। तो भाई कितने टाइम के अंदर आप ये इंजेक्टर क्लीन कराने चाहिए? यार सर्विस मैनुअल से समथिंग एल्स, बट आई डू इट, हमारे इंडिया में इतना अच्छा फ्यूल नहीं है। बिल्कुल सच है। तो मैं 8000 किलोमीटर में अपना सोच लेता हूँ कि मेरे को करानी है, तो 10000 से पहले मेरी हो जाती है। और इसकी नॉर्मल सर्विस आप कितने किलोमीटर पे कराते हैं? वही है, एक ही सर्विस कराता हूँ मैं। अच्छा, एक ही सर्विस कराते हैं, उसी में ऑयल चेंज, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर क्लीन अप और बाकी सारा। आप ऑयल कौन सा यूज करते हैं इसमें? यार आई हैव ट्राइड लिक्विमोली, लिक्विमोली इज गुड, बट मेरे को उससे बेटर 300V² लगा है, 300V और 300V² लगा है। अच्छा, नथिंग अगेंस्ट लिक्विमोली, लिक्विमोली बहुत अच्छा ऑयल है, उसमें मेरे को लगता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थोड़ी सी एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ थोड़ी सी ग्रफनेस आ जाती है। इसमें मेरे को आज तक वो महसूस नहीं हुआ है। अच्छा, मैंने ये लगा लो 3 बारी मैंने मॉडल 300V, नहीं 2 बारी मॉडल 300V और 1 बारी मॉडल 300V² यूज कर लिया है। अच्छा, तो उसके हिसाब से आई एम प्रीटी मच। और प्राइस में कितना डिफरेंस? ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा? नहीं है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत बेसिक डिफरेंस है। हां, 20 स्क्वायर का थोड़ा सा आ जाता है, बट इतना भी नहीं है कि यार ठीक है, शॉक वाली चीज है वो थोड़ी ना, ये मतलब आई वुड से कि मारा मार थोड़ी ना है। बिल्कुल, इससे पहले जब आप बता रहे थे आपने 14R चलाया था राइड पे, तो वो पुराने वाला मॉडल? हां, वो पुराने वाला, वो इनिशियल वाले मॉडल था विदाउट द ब्रेम्बो एंड वोलेंस। हां, तो इसको चलाने के बाद आपको कोई डिफरेंस फील हुआ? यार बहुत डिफरेंस है। अच्छा, मतलब एज सच पावर में तो नहीं बोलूंगा, बट स्टेबिलिटी में कह सकते हैं। हां, और ये इसकी ब्रेकिंग थोड़ी सी बेटर है,
और इसका सस्पेंशन क्या इस ट्यूनेबल, अब मेरे को उसका नहीं पता कि उसका ट्यूनेबल है या नहीं है। नहीं उसमें नहीं है, क्योंकि इसमें तो क्या ना आपको शोआ देखने के लिए मिल जाता है रियर का, और ये प्रीलोड वगैरह प्रीलोड सब है, और इसमें फ्रंट में ब्रेम्बो के कैलिपर्स देखने को मिल जाते हैं। उस टाइम के सबसे अच्छे क्वालिटी के कैलिपर्स है ये। हां एंड दे डू देयर जॉब प्रीटी गुड एट हाई स्पीड्स, मतलब आई कैन वाउच फॉर इट। और एक चीज मैंने नोटिस की, जब मैं जब पीछे आपके बाइक चला रहा था तो शायद मेरी नजर पड़ी थी रियर में भैया, ये आपने इसकी ब्रेक लाइन चेंज की हुई है? हाँ जी मैंने ब्रेक लाइन चेंज करी है। ये कौन सी है, हेल की है कौन सी है? नहीं ये यार मोटो कोर की है। अच्छा मोटो कोर की, एक्चुअल में इसकी फ्रंट तो ब्रेडेड आती है। हाँ फ्रंट ब्रेडेड आती है, ठीक है। इसकी रियर थी वो रबर वाली। अच्छा सो सिनेरियो ये था कि आफ्टर डूइंग दैट फ्लैश, ठीक है, स्टेज टू, तो उसके बाद मेरे को लगा यार इसकी ब्रेकिंग अप टू द मार्क नहीं है। समझ गया, तो मेरे को फिर ये कराना पड़ा। मैंने अच्छा। कहा यार, और इसमें ब्रेक फ्रूट भी अपग्रेडेड है, दैट इज नॉट डॉट 4, कंपनी रेकमेंड्स डॉट 4, आई एम यूजिंग डॉट 5.1। रीजन भी है इस चीज का, यार थोड़ी ब्रेक और क्रिस्प हो गई है। अच्छा और क्रिस्प हो गई है। हाँ, बट उसका वो है कि रिलेटिवली आपको जल्दी चेंज करना पड़ता है, क्योंकि वो कहते हैं कि ज्यादा उसकी लाइफ नहीं है डॉट 5.1 की, डॉट 5.1 की बेटर। सो अगर हम एक्सेसरीज की बात करिए तो चलो बाइक, इसके अलावा कोई मेजर प्रॉब्लम आ सकती बाइक में आपको आई? कुछ नहीं आया, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, नथिंग। उस चीज के लिए कह सकते हैं आप सिर्फ सर्विस पे इतना ध्यान दे देते हैं कि उस चीज की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि टाइम टू टाइम अगर आप हर चीज पे ध्यान दे रहे हैं ठीक है। तो इसके अलावा इस बाइक में आपको कभी परेशान नहीं किया? नहीं। कोई ब्रेकडाउन सिनेरियो? नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, नथिंग। और इसमें जो जो डिस्पैड की अगर हम बात करें, इसमें ब्रेम्बो है, तो आप कौन सा ब्रेम्बो यूज करते हैं? ब्रेम्बो यूज करता हूं। अच्छा इसके जो कंपनी के OEM आते हैं? कंपनी से नहीं लेता, आई गेट इट आउटसोर्स्ड। हाँ मतलब वो ब्रेम्बो के यूज करते हैं? हाँ ब्रेम्बो के यूज करता हूं। वो आई गेस मतलब हायाबुसा फ्रंट वाले इसके हायाबुसा वाले सेम है। अच्छा। रियर वाला मेरे को याद नहीं है कौन सा है, बट वो भी ब्रेम्बो का ही डलता है मेरा। अच्छा अच्छा, ब्रेक्स में कॉम्प्रोमाइज नहीं यार, मैंने पहले करके देख लिया, ईबीसी डाल के देखा था, वो रोटर्स खा जाता है। हां सच है वो रोटर्स खा जाता है, ठीक है। और मैं गोल्फ्रेन और नथिंग अगेंस्ट नहीं यार, जिसका जो बजट है उसमें जाओ। हां ब्रेम्बो के ऊपर भी बहुत है, ब्रेम्बो में इतना बड़ा कैटलॉग है कि आप लेने जाओगे तो अंत नहीं है। सच है, तो मैं वो यूज करता हूँ जो मेरे को आराम से पड़ जाते हैं, तीनों सेट्स 15 के अंदर अंदर। बेटर भैया, मुझे लगा आप 17-20,000 के आसपास बोलोगे। नहीं 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 नहीं, तीनों सेट्स मेरे को फ्रंट के दो और पिछला एक सेट 15 के अंदर अंदर पड़ता है। तो इस बाइक को चलाने के बाद आपको कोई लगता है किसी और बाइक पे आप अपग्रेड करोगे? यार अभी मैंने एक रूमर आई वुड से स्पेकुलेशन सुनी थी कि 15R आएगी, इट वुड बी 1500 cc प्लस टर्बो चार्जर, तो मैं आई एम लाइक जिस दिन आ रही है उससे दो दिन एक हफ्ता पहले मेरे को अभी बता दो, मैं अभी के अभी एडवांस दे रहा हूँ 2,00,000 थे, और मेरे को वो नहीं है पहली बाइक चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, नहीं चाहिए वो नहीं है, मेरे को 15R चाहिए। समझ गया, ठीक है। और ऐसी कोई है कोई खतरनाक सी चीज तो यस आई एम इन फॉर इट। चलो बढ़िया भैया। और इसके अलावा अगर एक्सेसरीज की बात करें तो जैसे कि देख पा रहे हैं इसमें ब्रॉक्स के आपने स्लिप ऑन लगाए हुए हैं, इसमें स्लिप ऑन हां मतलब है, बट This is a D-cat, अच्छा, D-cat. ये मतलब कहने का मतलब ये है कि this is 4:2:2, ये full system ही है। Full system ही है? हाँ. मतलब आपने D-cat कराया हुआ है? हाँ. ओके, तभी इतनी लाउड लग रही थी मेरे को ये। अब इसकी आवाज भी आपको एंड में जरूर सुनाएंगे। इसके अलावा आपने इसमें काउल लगाया हुआ है, काउल पे आपने डिप कराया हुआ है? नहीं नहीं, this is actual carbon fiber bro. यार सीरियसली मैं खोल के दिखा देता हूँ। नहीं ना, इसके ऊपर मैंने फिल्म लगाई हुई है। अच्छा इसके ऊपर मैं फिल्म लगाई हुई है, जो काइंड ऑफ लैमिनेशन होती है, क्योंकि यार जब कोई ना उठने बैठने की कोशिश करता है, ये देखो अभी भी एक पैर का निशान पड़ा हुआ है, बिल्कुल पड़ा हुआ है, तो वो काउल पे ना पड़े। अच्छा इसलिए मैंने एक सस्ती सी फिल्म लगाई हुई है। मैं नहीं बोलूंगा कि भाई मैंने पीपीएफ लगाया ये लगाया, नहीं, इट हार्डली कॉस्ट लाइक 200-300 रुपए, ताकि जब स्क्रैच पड़ जाए साला उतारा चेंज करा एंड आई एम ओके विद इट। इसके अलावा आपने फ्रेम साइडर बेसिक फोकुलेटर लगाया हुआ है और आपने विंडस्क्रीन लगाई हुई है प्यूकी, ये बहुत अच्छी लग रही है। मेरे पास एक और है, दैट इज जीरो ग्रेविटी डबल बबल। अच्छा वो कोई खास फर्क दोनों में है? है, है, है। अच्छा यार वो डबल बबल है, ये भी खैर डबल बबल वाली शेप बोल सकते हो, बट उसमें मेरे को इसमें टक इन करने की जरूरत पड़ती है आफ्टर 220। अच्छा ठीक है, उसमें आई एम लाइक ओके टिल 235। ओके मतलब उसके बाद मेरे को टक इन करने की जरूरत पड़ती है। और हाँ बस यही बोलूंगा, विजिबिलिटी वगैरह में मेरे को नहीं लगता फर्क आया, क्वालिटी में नहीं मेरे को लगता फर्क है कुछ इतना। हाँ और इसकी अभी तक टॉप स्पीड आपने से, मैंने भी इसकी टॉप स्पीड अचीव की थी, पुराना वाला मॉडल मैंने चलाया था, मैं ऑलमोस्ट 295 तक गया था, मैं 300 नहीं टच किया उसको। ये अनरिस्ट्रिक्टेड है ब्रो। हाँ क्योंकि ये अनरिस्ट्रिक्टेड है। हाँ ये तो यार सरप्राइज पे सरप्राइज दे रहे हो आप मेरे को, पता नहीं हर चीज अनरिस्ट्रिक्टेड है। इसमें PC5 लगा हुआ है, इसमें ब्लॉक ऑफ प्लेट्स लगी हुई है, ओ भाई साहब, इसमें स्टेज 2 ट्यून हुआ हुआ है, ये फुल सिस्टम चल रहा है, एंड इसमें जो फ्यूल डलता है दैट इज ओनली 100 octane XP100, मतलब 97 भी नहीं। नहीं क्या बात कर रहे हो यार। और इसमें BMC है, क्योंकि जब मैंने
सोच रहा था तब मेरे को स्प्रिंट मिला नहीं इंडिया में। अच्छा स्प्रिंट अब मिल रहा है, अब मिल रहा है, उस टाइम नहीं अवेलेबल था जब मेरे को लेना था। पर बीएमसी तो ओके, मतलब बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। हाँ, मतलब स्प्रिंट के बाद बीएमसी आता है और आई एम वेरी हैप्पी विद बीएमसी। हाँ, तो बीएमसी ओके है। तो अभी तक आपने इसको ऑन कैमरा अगर आप बोल सके तो क्या स्पीड लेके गए इसकी? मैं नहीं बोल रहा यार, नहीं बोल सकते क्योंकि मैं भी अगर मैं अपना मतलब इतना बोल रहा हूँ कि S1000RR M Pro वगैरह के भी टॉप एंड बीट करोगे इसमें? मैं ऑफ कोर्स करा होगा, बिल्कुल करा होगा। देखो मैं तो S1000R तो मैंने भी स्टैंडर्ड ऑलमोस्ट चलाया, बट वो कॉन्फिडेंस नहीं आता जो कॉन्फिडेंस इसके अंदर आता है। और वो भी कह रहा है, मैं आपको जगह भी बता देता हूँ कहाँ पर कर रहा है। दुनिया बोलेगी कहाँ कर लिया, ऐसे जगह नहीं है, ये है वो है। जब मुंबई एक्सप्रेस वे वॉज नॉट ओपन टू दी पब्लिक, तब एक ऐसे ना कॉन्क्रीट के ब्लॉक्स लगे होते थे और बीच में सिर्फ बाइक के निकलने की हल्की सी जगह होती थी। समझ गया। तब करा हुआ है और तब वो मेरा ख्याल पूरा बना भी नहीं था। तो वो जहां तक की रोड थी, मतलब मैं ये बोलूंगा ना, बंदा ना बंदे की जात, ना कुत्ता ना कुत्ते की जात, वो टाइप की सड़क थी और उसपे बीट मारा था। कि वो उन्होंने तीन तीन बाइकें दी, तीनों ने अपना टॉप एंड लगाया हुआ था और उनको मैंने अच्छा खासा फ्लाई बाय दिया था। अच्छा, और वो भी बात हुआ क्या है हमारे भैया? देखो एक बात बताना, मतलब नॉर्मल ऐसे लेमन पर्सन पूछ रहा हूँ कि नई बाइक चलाने के बाद आपको क्या फील होता है? ये इलेक्ट्रॉनिक्स की बाइक सब आ रही है, ये आ गया, वो आ गया, लॉन्च कंट्रोल, फलाना कंट्रोल, मेकिंग द बाइक्स इडियट और फुल प्रूफ, फुल प्रूफ, फुल प्रूफ, नॉट फुल प्रूफ, फुल प्रूफ, बट अगेन मनी कांट बाय यू स्किल्स, मनी कांट बाय यू दैट आई वुड से द फील। क्योंकि मैं खुद पुरानी बाइक चला के ज्यादा खुश हूं, मैंने GSX 1000 आर रखा हुआ था। अगर ये बात है ना तो आई स्टिल राइड RD 350। अच्छा ठीक है, आई स्टिल राइड RX, आई स्टिल राइड जावाज, बट मैं ये चलाने के बाद भी अगर मेरे को वो भी बोले ना आरडी चलानी है, मैं उसके लिए खुश हूँ। अगर ये चलाने के बाद मेरे को बोले ना कि भाई कोई supposedly new bike chalani hai which is loaded with electronics and all that, bro nahi hoga, nahi hota bhai, electronic bike chalti nahi hai। I can ride the bike without ABS, without traction control, I'm happy with it। usme throttle to jati nahi hai, wo nikalti nahi, hame feel hi nahi aata। maine kaha ye to apne aap jayegi, chakka piche se ghumega nahi, jab tak ghume uthenge nahi, jab tak aag niklegi nahi, jab tak patake bajenge nahi, tab tak maza nahi aayega। same experience mere sath hai, kyunki nayi bike beginners ke liye bahut easy kar di hai, chalane mein bahut easy kar di hai, light weight ho gayi hai, but wo feel nahi hai jo purani bike se chala ke aata hai। जितने भी नए नए राइडर्स बन रहे हैं, मैं बुरा मत मानना उन सब चीजों को लेके, नहीं, नहीं यार, विच इज ओपन, आप एक बार पुरानी बाइक चला के देख लो, आपको रियलिटी पता लगेगी। हमारे से पहले के राइडर्स थे, हमारे से पहले वाली जनरेशन थी जिन्होंने 90s के अंदर सुपर बाइक्स इंडिया में चलाई थी, ठीक है, उनको शायद ये भी नहीं समझ में आएगी, उनको 12R समझ में आती है, 1200cc विदाउट इलेक्ट्रॉनिक्स, रॉ पावर, और उसका ये था कि अगर आप फुल थ्रॉटल दे दोगे बिना सोचे समझे, सीधा नेक में व्हिप्लैश आता था, सच आता था भैया, ठीक है। और 12R इज नेक्स्ट लेवल शिट, बिल्कुल। वो तो मैंने आज तक एक बार चलाने का मौका मिला था, ज्यादा नहीं, मतलब 2-3 किलोमीटर ही चला पाया उसको, बट वो बाइक बड़ी खतरनाक लगी मुझे चलाने में, वो लिटरली डरा रही थी मुझे, ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं। जेनवन बूसा चला लो। हाँ वो चला लो, मैंने जेनवन बूसा नहीं, मैंने GSX 1000 जो RR आती थी, K7 K6 एडिशन, वो चलाई है मैंने, फायर ब्लेड चलाया पुराना, 4-5 मॉडल, उनको चला के बड़ा अच्छा फील होता है। वो जो चीजें चला रहे हो उनके बाद ये नहीं समझ आएगी, इनके बाद आगे वाली नहीं समझ में आती, आगे वाली तो बिल्कुल नहीं समझ में आती, पता नहीं क्यों ऐसा बन चुका है। तो भैया मेरे कई बार मन में आता है कि यार आई हैव टू अपग्रेड, आई थिंक यार एवरीथिंग हैज अ लाइफ, ठीक है। तो मैं ये कई बार दिमाग में आया यार कि ठीक है एक बार S1000RR लेने की सोचता हूँ या कुछ ऐसी ही चीज लेने की सोचता हूँ, Gen 3 बूसा लेने की सोचता हूँ, नथिंग अगेंस्ट देम अगेन, बट पर वो याद है यार, वो मजा नहीं आएगा भाई। जो एक होता है ना कि वीकेंड पे यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट वीकेंड राइड, ये वो, क्योंकि आजकल मेरे को इतना टाइम नहीं मिल रहा कि मैं डेली राइड कर पाऊँ, बट वीकेंड राइड तो है यार, मतलब मंडे से ही चुल्ले काट रहे होते हैं कि संडे कब आएगा कह सकते हैं। तो भैया मेरी तरफ से ऑलमोस्ट सब कवर हो चुका है, सारी चीज आपने बताई, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब की इस बाइक के बारे में, प्रोज एंड कॉन्स, कोई ऐसी बात जो इस बाइक की आपको अच्छी ना लगती हो? सारी अच्छी बात तो हो गई, नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है। और ये बाइक आपके अकॉर्डिंगली किन लोगों को लेनी चाहिए और किन लोगों को नहीं लेनी चाहिए, ये मेरा क्वेश्चन सभी से रहता है। किन लोगों को लेनी चाहिए? यार देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप 14R ले रहे हो, पहले तो जब ढूंढने जाओगे मिलेगी नहीं, सच्चे? जब बेचने जाओगे बिकेगी नहीं, ठीक है। तो ये सोच के चलना कि आपने इसको कब्र तक लेके जाना है, बिल्कुल, क्योंकि जब आप बेचने जाओगे लोग अनशन रेट बोलेंगे, जब लेने जाओगे भैया आपको 14R की वो नहीं पता, 14R इज दिस, 14R इज दैट, आई एम लाइक ओके डूड ठीक है, पहली चीज ये। दूसरा, इट इज वेरी स्मूथ इन पावर डिलीवरी, वेरी वेरी स्मूथ आई वुड से, और इसके जो एग्रोनॉमिक्स और जो सिटिंग ट्राइंगल है, अगेन दैट इज वेरी कम्फर्टेबल, एज मतलब लोगों को लगता है यार आई वोंट से इट इज सुपर बाइक और अ स्पोर्ट्स बाइक, इट इज अ हाइपर टूरर, बिल्कुल ठीक है। सो इस
इस पर लोग टूरिंग करते हैं यार बाहर, लोग यहाँ पर पैनियर्स लगा के, छोटे छोटे पैनियर्स लगा के या बैग्स लगा के, सैडल वो लगा के टूरिंग मारते हैं यार अच्छी खासी. तो दिस इज मेंट फॉर दैट थिंग, दिस इज नॉट मेंट फॉर हाँ यार 20 किलोमीटर दूर गए परांठा खाया वापस आ गए. नो, इतने में गर्म भी नहीं होगी. सच है, मतलब टायर अगर गर्म हो भी गए मतलब वो नहीं होगा कि मजा नहीं आया. मजा नहीं आया. और किन लोगों को बाइक नहीं लेनी चाहिए भैया? जिन्होंने फटाफट अपग्रेड करनी है उनको समझ में भी नहीं आएगी. अच्छा, जिन्होंने लंबी रखनी है उनको समझ में आएगा कि भाई ये क्या चीज है. हाँ, तो मेरी तरफ से इतना था. अच्छा, इतना ही था भैया. सारे क्वेश्चन आपने क्लियर किए, बहुत अच्छे से क्लियर किया, और ये वीडियो लोगों के बहुत काम आने वाला है. सो बहुत अच्छा लगा भैया शूट करके. थैंक यू सो मच भैया, टेक केयर. थैंक यू भैया. लास्ट में इसकी आवाज़ रह गई थी पर वो सुना दीजिए.